बंगाल फतेह के लिए दीदी ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ा खेला किया। दरअसल उन्हें लगा था कि मुस्लिम समुदाय उनकी झांसी में आ जाएगा और एक बार फिर से तुष्टिकरण की राजनीति कामयाब हो जाएगी, लेकिन पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी ने दीदी का ये खेला पूरी तरह से बिगाड़ दिया। पीर ज्यादा और भाईजान भले ही अलग अलग मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही टीएमसी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यानी बंगाल में इस वक्त तेरा मुसलमान वर्सेस मेरा मुसलमान का नया खेला शुरू है। अब्बास ने बिगाड़ा दीदी का मुस्लिम खेला। जिसको गद्दार कह रहे हैं, गद्दार को हम कैसे वोट देंगे? गद्दार जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा, दीदी खुद बोल रहे हैं। तो हम बीजेपी को रोकने वालों में से है, तो हम किस कैसे टीएमसी को वोट दे जो जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएंगे। दीदी के ग्राउंड पर पीरज़ादा की धुआंधार बैटिंग। ममता बनर्जी तो बीजेपी को लाने के लिए जो कंटा किए हैं वही राह पे तो चल रहे। मुझे डर लग रहा है हमारे बंगाल खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमारे माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए हम मीडिया बंधु को अनुरोध कर रहे थे, तब हमारे आंसू में आंसू आ गए। बंगाल में ममता का अधर्म खेला हो गया फेल। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर खींचतान चरम पर है। दीदी के समझ में आ गया है कि अगर मुस्लिमों का वोट बटा तो उनकी कुर्सी खिसकते देर नहीं लगेगी। दो चरणों की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ भी होने लगी है। यही वजह है कि हार के डर से दीदी तिलमिलाई हुई हैं और बीजेपी के साथ अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी पर भी ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। यदि अपना एनआरसी ना चान, एनपीआर ना चान, क्या ना चान, बांग्ला हिंदू मुसलमान भाग करते ना चान, संख्यालघु भाई बोले रामान, उधर एक वोट देवें ना, उधर एक वोट देवें ना, उधर एक वोट देवें ना। ममता बनर्जी के हमले और टीएमसी की भड़काऊ राजनीति के खिलाफ पीरज़ादा ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में बीजेपी को लाने के लिए ही ममता हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है। दीदी ने तो खुद ऐसा माहौल तैयार किया जिसके लिए बीजेपी आ सकते हैं। बीजेपी को अगर कोई खुराक ना मिले तो बीजेपी कैसे बोलेंगे? अगर कोई नहीं बोलते जे हम मुसलमान चाहते हैं तो हमारे पश्चिम बंगाल को चार चार बार पाकिस्तान बना देंगे। अरे ये तो हम बोलते हैं, जिसने ये बोले हैं हम बहुत कड़क बात बोलते हैं। अरे ये तो बाप की नजायज औलाद है, हमारे बंगाल को जिसने इतना बड़ा गाली दिया है, हम पाकिस्तान क्यों बनाएंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ और मुसलमान वोटर बड़ी भूमिका अदा करता है। 2016 में ममता ने मुस्लिम बहुल वाली 125 सीटों में से 90 सीटों पर जीत दर्ज की थी और प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया था। मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए ही ममता पिछले 10 साल से भेदभाव की राजनीति कर रही है। टीएमसी सरकार मुस्लिमों को मलाई और हिंदुओं को धोखा देती आई है, लेकिन अब यह खेला बेनकाब हो चुका है। अब्बास सिद्दीकी की बगावत और ओवैसी की एंट्री से दीदी का दल मुश्किल में है। याद एक एक माँ का कोल खाली होगा ना, उसका अब्बास को जिम्मेदार लेना होगा। लेकिन अब्बास तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो बीजेपी कर रही है। बोलता है वो, मुंह में बोलता है वो, क्या वो तो इंसान के लिए मौत मांगा, 50 लाख आदमी के लिए, इंसान के लिए वो मौत मांगा है अल्लाह के पास। वो क्या इंसान के लिए सोचेंगे, वो क्या इंसान के लिए सोचेंगे। अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी पहले एक साथ बंगाल चुनाव में उतर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब दोनों अलग अलग मैदान में हैं, लेकिन दीदी की राह पर मुश्किलों का गड्ढा खोद रहे हैं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती कि मैं जन्योधारू भी हूँ और शांडलिया भी हूँ। आप सोचो यह मुल्क कहाँ जा रहा है। ममता बनर्जी पहले दोनों को ही तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन भगवा लहर से डरी दीदी के पैर अब जमीन पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी टीएमसी की कब्र खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। टीएमसी का जो कर्मी है वो बूथ में जा नहीं सक रहे थे, उसको बुलाए भी जा रहे, वो बोल रहे हम नहीं जाएंगे। तो सब समझ रहे हैं टीएमसी के साथ काम करना बेकार है, तो सब भाग रहे। टीएमसी पोलिंग एजेंट भी नहीं दे पा रहे और बीजेपी का जो कर्मी है उसके ये लोग रोक नहीं पा रहे। संयुक्त मोर्चा की साथ दीजिए, संयुक्त मोर्चा बीजेपी को रोकेंगे, काल कारखाना बनाएंगे, नौकरी देंगे, सबको स्वस्थ रखेंगे। बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी का खेला चरम पर है। इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंसा की राजनीति हो रही है। लिहाजा बंगाली मानुष आहत है, लेकिन सत्ता के लिए एक बार फिर तेरा मुसलमान बनाम मेरा मुसलमान का खेला जारी है।